एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुसरत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 एमसीक्यू सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 एमसीक्यू सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 8th ऑफ अक्टूबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 2022 इज बीइंग शेयर्ड बाय 3 साइंटिस्ट फॉर देयर वर्क इन विच फील्ड। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो नोबेल प्राइज है इस साल का फिजिक्स सेक्शन में, उसको शेयर किया है 3 साइंटिस्ट ने एक साथ, मतलब 3 साइंटिस्ट को ये अवार्ड दिया गया है। और आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी फील्ड में इन्होंने काम किया है जिसकी वजह से इनको ये प्राइज दिया गया है। तो नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स सबसे पहले कौन कौन से 3 साइंटिस्ट को मिला है। फर्स्ट नाम है इसमें एलाइन एस्पेक्ट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है जॉन एफ क्लॉजर, और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड नाम है इसमें एंटोन जिलिंगर का, ठीक है। कई बार ऑप्शंस में कैसे पूछ लेते हैं, ये 3 नाम देके चौथा ऑप्शन दे देंगे, ऑल ऑफ द अबव। अब आपसे पूछेंगे कि बताइए इसमें से किसको मिला है नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इस साल के लिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे इंटेंगल्ड क्वांटम स्टेट के ऊपर, जहां पे 2 सेपरेट पार्टिकल्स बिहेव करने लगते हैं एक सिंगल यूनिट की तरह, ठीक है। और ये जो रिजल्ट इनका फिर आया, इसके अब बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं डिफरेंट फील्ड्स में, क्वांटम कंप्यूटर्स के, फॉर एग्जांपल क्वांटम नेटवर्क्स, और सिक्योर करने में क्वांटम इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को, ठीक है। तो सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि फिजिक्स में जो अवार्ड दिया गया है नोबेल प्राइज का, वो कौन से वर्क के लिए दिया गया है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, ठीक है। और कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने देखा था नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी वाली कैटेगरी को, ठीक है। फिजियोलॉजी या फिर आप मेडिसिन कह सकते हैं, ये अवार्ड किसको दिया गया है इस साल, तो ये है मिस्टर स्वांते पाबो, ठीक है। तो कई बार जैसे आपको बहुत टफ नेम लग रहे हैं या फिर आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप एक एक कैटेगरी करके याद रखा करिए। अभी आप सारी कैटेगरी एक साथ पढ़ने लगेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे और फिर कुछ लास्ट में याद नहीं रहेगा। तो कल आपने पढ़ा स्वांते पाबो के बारे में और आज हमने ये वाली कैटेगरी पढ़ ली है फिजिक्स की, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और नोबेल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च्ड हर स्टार्ट अ स्टार्टअप प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन विच सिटी। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में हर स्टार्ट नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कौन से सिटी में, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो इन्होंने इसको लॉन्च किया है अहमदाबाद में और इसको क्रिएट किया था गुजरात यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये टोटली डेडिकेटेड रहेगा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और इसके थ्रू जो इनके स्टार्टअप एफर्ट्स हैं उनको बूस्ट किया जाएगा, साथ ही इन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कनेक्ट किया जाएगा विद वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये कौन सी सिटी है, अहमदाबाद। देखिए इसके अलावा याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये किस वजह से न्यूज में थी, क्योंकि एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक जो इसका थर्ड फेज था उसमें ये बताया गया कि सिर्फ 72% ही इस योजना का यूटिलाइज हो पाया है, ठीक है। मतलब टोटल 4 लाख कैंडिडेट्स में सिर्फ 8% लोग ऐसे थे जिनको प्लेसमेंट मिला है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम ओवरऑल देखें, मतलब 1.0, 2.0 और 3.0 सारे फेजेस को मिला दें, तो 20% टोटल एनरोल्ड कैंडिडेट्स में से ऐसे थे जिन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया था इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से, फाइन। तो बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ 2022 नैनसन अवार्ड गिवन बाय यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि नैनसन अवार्ड कौन देता है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, और इस साल के लिए ये अवार्ड किसको प्रेजेंट किया गया है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो ये है फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल, इनको ये अवार्ड दिया गया है। और किस लिए दिया गया है, क्योंकि इन्होंने 1.2 मिलियन रेफ्यूजीज को शेल्टर प्रोवाइड की थी,
साथ ही साथ असाइलम सीकर्स को भी, जब सीरिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा था उस टाइम, ठीक है। और इन्होंने अपनी कंट्री को लीड किया है 16 सालों तक, फाइन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। ध्यान में रखिएगा कि 2022 का नैनसन अवार्ड दिया गया है एंजेला मार्केल को। नेक्स्ट है, एज पर द रिसेंट गवर्नमेंट डेटा, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट गैप इन इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट बिटवीन बॉयज एंड द गर्ल्स इन 2020। तो रिसेंट गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे बॉयज और गर्ल्स के बीच जो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट होता है उसका गैप सबसे ज़्यादा रहा 2020 में। सबसे पहले आप मोर्टैलिटी रेट से क्या समझते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। एक्चुअली इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट वो नंबर होता है या फिर वो फिगर होता है कि कितनी ज़्यादा इन्फेंट डेथ्स हो रही हैं पर 1000 लाइव बर्ड्स, ठीक है। मतलब जब 1000 बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उसमें देखा जाता है कि इन 1000 में से कितने बच्चों की डेथ हो गई, उसी को हम इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट बोलते हैं, ठीक है। तो सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिक रिपोर्ट 2020 के मुताबिक छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गैप देखा गया बॉयज और गर्ल्स के इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे मेल इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट था 35 और जबकि फीमेल कितना था, फीमेल इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट था 41, ठीक है। और जो मेल और फीमेल का इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट है वो इंडिया में अगर हम ओवरऑल बात करें तो 2022 में लगभग इक्वल था। इसके अलावा जो हमारे रूरल इंडिया है वहाँ पे जो फीमेल आईएमआर है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है देन मेल आईएमआर, लेकिन जो अर्बन इंडिया है वहाँ पे जो फीमेल आईएमआर है वो काफ़ी ज़्यादा कम पाया गया फ्रॉम मेल आईएमआर, ठीक है। ये सब 2020 का डेटा है। तो ये चीज़ें तो नहीं पूछेंगे, लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में जो आईएमआर है वो सबसे ज़्यादा पाया गया, ये है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, इंडिया हैंडेड ओवर इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड मोटरबाइक्स टू विच कंट्री एज अ पार्ट ऑफ बायलेटरल असिस्टेंस। तो इंडिया ने हाल ही में हैंड ओवर कर दिया है हमारी इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड मोटरबाइक्स को लेबनान कंट्री को, ठीक है। और ये जो मेड इन इंडिया मोटरबाइक्स हैं इनको सौंपा जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ बायलेटरल असिस्टेंस, किसको दिया गया, लेबनान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इमाइग्रेंट को, ठीक है। इसी के साथ इंडिया ने ये भी अनाउंस किया है कि हम एक आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट कैंप इंस्टॉल करेंगे लेबनान कंट्री में, और लेबनान ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है हमारे पॉजिटिव रोल को जो कि इंडियन बटालियन ने प्ले किया है एट यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्सेज इन लेबनान, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात सिर्फ क्या है, जो हमने इंडिजिनस तरीके से प्रोड्यूस की थी ये हमने हाल ही में किसको दिया है, लेबनान कंट्री को। आपको कमेंट्स में लिखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फूड प्राइस इन्फ्लेशन देखा गया है, आपने जवाब कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड टीचर्स डे 2022। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि 5 सितंबर को हम नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं और वर्ल्ड टीचर्स डे हर साल होता है 5 अक्टूबर को, राइट। और इस साल के लिए थीम क्या थी, द चेंज ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर। क्यों सेलिब्रेट करते हैं, अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए टीचर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन को लेके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले वर्ल्ड टीचर्स डे हम कब मनाते हैं, 5 अक्टूबर को। नेशनल टीचर्स डे कब मनाते हैं, 5 सितंबर को। और इस साल के लिए थीम क्या थी, द चेंज ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पी आर श्रीजेश एंड सविता पुनिया हु वर सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। इनके नाम क्यों इंपॉर्टेंट हैं आपसे ये पूछ रहे हैं। याद रखिएगा, पी आर श्रीजेश बन गए हैं FIH मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर और सविता पुनिया बनी हैं FIH वुमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर, ठीक है। और इसी वजह से ये दोनों काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, ठीक है। कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो जाएंगे, हॉकी से। आपसे अच्छा उल्टा भी पूछ सकते हैं कि इस साल FIH मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर कौन बने हैं, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। ये नहीं कि बस क्वेश्चन ऐसे रट लिया कि ये दोनों लोग हॉकी से रिलेटेड हैं और बस यही क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। ये क्वेश्चन डिटेल में पढ़ाने का एम यही होता है कि आप इसका हर चीज़ अच्छे से ग्रास्प कर सकें, ठीक है। और उसके बाद जब हम लोग इसको आगे रिविजन में कहीं करेंगे तो वहाँ पर रिटेन हो सके आपके दिमाग में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्योंकि किसी भी तरह फॉर्म हो सकता है तो आप नहीं जानते हैं, तो इसीलिए अच्छे से क्वेश्चन को समझा करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। तो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन और कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया ने अनवील कर दिया है फाइनली स्पोर्ट प्रोग्राम फॉर विक्टोरिया 2026 कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। तो कहाँ पे होगा ये, ऑस्ट्रेलिया में, और इसमें टोटल 20 स्पोर्ट्स रहेंगे अलग अलग 26 डिसिप्लिन में।
जिसमें कि 9 फुली इंटीग्रेटेड पैरा स्पोर्ट को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और याद रखिएगा, शूटिंग जो कि कॉन्ट्रोवर्शली ड्रॉप कर दिया गया था बिर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम से, फिर से लेकिन इसको इंक्लूड कर लिया गया है 2026 के एडिशन में, और शूटिंग हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट है अब तक का, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है हमारे लिए कि शूटिंग को एक बार फिर से इस गेम में ले लिया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर इन 2021 to 2022? इस टाइम पीरियड में कौन सी कंट्री है जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है शुगर की? याद रखिएगा, ये कंट्री है इंडिया। हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करते हैं शुगर और सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी करते हैं। इसी के साथ हम सेकेंड लार्जेस्ट हैं शुगर को एक्सपोर्ट करने में, ठीक है। तो इंडिया का जो शुगर एक्सपोर्ट है वो 57% से इंक्रीज हो गया है और अब ये वैल्यू पहुंच चुकी है 109.8 लाख टन्स पे, ठीक है। और इसी के साथ जो फॉरेन करेंसी इनफ्लो रहा इस एक्सपोर्ट की वजह से इंडिया में, वो कितने का था? 40,000 करोड़ रुपीज़, फाइन। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हैं शुगर के, इसके अलावा हम सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं शुगर को, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज द हेड ऑफ द कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस सेट अप बाय IFSCA? इस कमिटी के हेड कौन है, आपसे ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। और इसने कंस्टिट्यूट की थी एक कमिटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस, जिसको कि हेड किया था मिस्टर CK मिश्रा ने, और ये जो है फॉर्मर सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो हाल ही में इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की है टू द चेयरपर्सन ऑफ दिस अथॉरिटी। इसमें बहुत सारे तरीके के रिकमेंडेशंस दिए हैं इन्होंने, फॉर एग्जाम्पल कि ट्रांजिशन बॉन्ड जो है उसका फ्रेमवर्क रेडी होना चाहिए, इसके अलावा जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है ग्रीन फिनटेक के लिए उसको प्रमोट करना चाहिए। इसी तरह के डिफरेंट रिकमेंडेशन दिए हैं इन्होंने। और इस कमेटी ने ये भी प्रपोज किया है कि हमें एक डेडिकेटेड MSME प्लेटफॉर्म को सेटअप करना चाहिए फॉर सस्टेनेबल लैंडिंग, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात सिर्फ क्या है कि इस कमेटी के हेड कौन है? मिस्टर CK मिश्रा। देखिए, इसके अलावा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने हाल ही में साइबर क्रिमिनल्स को सर्च करने के लिए एक ऑपरेशन रन किया था जिसका नाम था ऑपरेशन चक्र, ठीक है। और इसको इन्होंने रन किया आफ्टर टेकिंग द इनपुट्स फ्रॉम, फॉर एग्जांपल, इंटरपोल, FBI और ऑस्ट्रेलिया की फेडरल पुलिस एट्सेट्रा। तो डिजिटल एविडेंस का एक लार्ज अमाउंट इन्होंने सीज कर लिया है, साथ ही कुछ कैश और गोल्ड भी रिकवर हुआ है इन सर्चेज में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि ऑपरेशन चक्र जो कि हाल फिलहाल न्यूज में था, ये कौन से इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है? याद रखिएगा, CBI से। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट कैप्टन टू स्कोर 500 T20 रन्स इन अ कैलेंडर ईयर? तो रोहित शर्मा ने अपना 400 T20 खेला है हाल फिलहाल, और इसी के साथ ये पहले इंडियन प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने 400 T20 गेम्स में फीचर कर लिया है अपने आप को, ठीक है। और इसी के साथ ये पहले इंडियन कैप्टन भी हैं जिन्होंने 500 T20 रन्स स्कोर कर लिए हैं एक कैलेंडर ईयर में। और रोहित शर्मा के बारे में ये भी ध्यान रखिएगा कि ये पहले इंडिया के स्कीपर हैं जिन्होंने लीड किया इंडिया को T20 सीरीज में, और किसके अगेंस्ट? साउथ अफ्रीका टीम के अगेंस्ट एट होम, ठीक है। तो बस इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फर्स्ट इंडियन कैप्टन कौन है जिन्होंने 500 T20 रन्स स्कोर कर लिए हैं एक कैलेंडर ईयर में, ये हैं रोहित शर्मा। और इसी के साथ ये पहले ऐसे इंडिया के प्लेयर हो चुके हैं जो कि 400 T20 गेम्स में अपने आप को फीचर कर चुके हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, विच बॉलीवुड एक्टर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन 2022? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में किसको अपना नेशनल आइकन डिक्लेयर किया है? ये हैं एक्टर पंकज त्रिपाठी, और इनको डिक्लेयर किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना नेशनल आइकन, ताकि वोटर्स में अवेयरनेस क्रिएट की जाए अलॉन्ग विथ ECI, ठीक है। और आपको याद होगा 2017 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था न्यूटन, इनको इसमें भी नेशनल अवार्ड दिया गया था क्योंकि इसमें इन्होंने एक CRPF ऑफिसर का रोल प्ले किया था, तो उसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था उस टाइम पे, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि ECI ने मिस्टर पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकन हाल ही में डिक्लेयर किया है। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम चलेंगे हमारे रिविजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखेंगे? सबसे पहले हम कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देखेंगे, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे।
उसके बाद सेकेंड कैटेगरी बहुत पॉपुलर थी कमेंट्स में, तो मैंने ये ले ली है, बुक्स एंड ऑथर्स वाली, आप बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे। इसके बाद थर्ड में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्चेस देखेंगे जो हाल फिलहाल हुए हैं किसी भी फील्ड में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया? हमारे नए अटॉर्नी जनरल बन चुके हैं मिस्टर आर वेंकट रमनी, ठीक है। आपको कॉमेंट्स में लिखना है कि ये किसको रिप्लेस करके बन रहे हैं। Who has been appointed as the Chief of Defence Staff in 2022? तो हमारे नए CDS कौन हो गए हैं? Mr. Lieutenant General Anil Chauhan, ठीक है। Who has been appointed for amending Constitution of Indian Olympic Association? Indian Olympic Association का Constitution amend करने के लिए किसको appoint किया गया है? ये हैं Justice L. Nageswar Rao, ठीक है। Who has been appointed as the Director General of Indian Council of Medical Research? ये है Mr. Rajiv Behl. Climate activist Vanessa Nakate, who was appointed as UNICEF Goodwill Ambassador, is from which country? तो UNICEF ने Vanessa Nakate को appoint किया है अपना Goodwill Ambassador, और ये है Uganda country से. Volker Turk, who was appointed as the United Nations High Commissioner for Human Rights, is from which country? इनको अपॉइंट किया गया है एज द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ह्यूमन राइट्स के लिए, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये हैं ऑस्ट्रिया से. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन 2022? हमारे नए चेयरमैन हो चुके हैं DRDO के मिस्टर समीर वी कमत. आपको कॉमेंट्स में लिखना है कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है. विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड टू द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल? आंसर हो जाएगा मिस्टर अल्केश कुमार शर्मा, ठीक है। तो ये कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स की। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा जो फेमस किताबें हैं बस वही ली हैं, अदरवाइज ऐसे तो बहुत सारी बुक्स होती हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड एज द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड? तो ये बुक है हमारे यूनियन मिनिस्टर एस जयशंकर जी की। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस? तो इस बुक के ऑथर हैं मिस्टर आशुतोष राराविकर। न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 विच वॉज रिलीज रिसेंटली इज अ बुक ऑफ कंपाइल्ड राइटिंग्स ऑफ विच लीडर? तो ये बुक किसको डेडिकेटेड है? तो ये है मिस्टर अरुण जेटली। लॉकडाउन लिरिक्स विच वॉज रिलीज रिसेंटली इज अ बुक रिटन बाय विच ऑथर? लॉकडाउन लिरिक्स किसने लिखी है? ये हैं संयुक्ता दास। हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल टॉम्ब ऑफ सैंड ओरिजिनली टाइटल्ड एज रेड्स मोजिलियम विच हैज वन द 2022 इंटरनेशनल बुकर प्राइज? ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको दिया गया है, कौन सी बुक को? तो ये है टॉम्ब ऑफ सैंड, और ये बुक है किसकी? तो आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री, ठीक है। जो बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। रोमेन टोलनार्ड बुक प्राइज इज अवॉर्डेड टू द बेस्ट ट्रांसलेशन ऑफ विच लैंग्वेज बुक इन टू इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश? तो ये जो रोमेन लोनार्ड बुक प्राइस है ये बेस्ट ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच इनटू इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश को दिया जाता है, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि 2022 में ये बुक प्राइस किसको दिया गया है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI? इस बुक के ऑथर हैं मिस्टर विनोद राय, ठीक है। और एट लास्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्चेस की। Which country launched experimental satellites named as Shiyan-14 and Shiyan-15? तो ये दोनों सेटेलाइट कौन सी कंट्री के हैं? आंसर हो जाएगा चाइना। NROL-91 विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली वॉज लॉन्च बाई विच पर्टिकुलर कंट्री? तो ये लॉन्च किया था USA ने। What is the name of the Indian Sign Language Dictionary Mobile Application recently launched? तो जो ISL Dictionary Mobile Application हाल ही में लॉन्च हुआ है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है साइन लर्न एप्लीकेशन। डार्ट मिशन विच वॉज सीन इन द न्यूज वॉज लॉन्च बाय विच पर्टिकुलर कंट्री? याद रखिएगा डार्ट जो है ये नासा का मिशन है, और ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा फिर? USA। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द हाइब्रिड मोटर फॉर न्यू प्रपल्सन सिस्टम यूज इन द लॉन्च व्हीकल? कौन सी कंट्री है जिसने हाइब्रिड मोटर को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है अपने नए प्रपल्सन सिस्टम के लिए जो कि यूज होते हैं लॉन्च व्हीकल्स में? ये कंट्री है इंडिया। Scale application which was launched recently provides skill development solutions for employees of which field? अगर आपको scale acronym का full form पता होता तो फिर आप definitely इसका answer बता पाते। क्या होता है इसका full form? Skill certification assessment for
फॉर लेदर एम्प्लॉयज, ठीक है, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये लेदर सेक्टर से एसोसिएटेड है. विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट चीता रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट. तो दुनिया का सबसे पहला चीता रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट किसने इनिशिएट किया है, ये है इंडिया. और हमने जो है अफ्रीकन कंट्री नामीबिया से चीतास को लाके कहाँ पे रखे हैं, कुनो नेशनल पार्क में. ये कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में. विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ वेब पोर्टल नेम्ड एज सीएम द हाईसी इन्फॉर्म टू सीएम. ये जो है पोर्टल है मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट का. इसके थ्रू जो वहाँ की पब्लिक है, कॉमन पब्लिक, वो जो है अपने कंप्लेंट्स को दर्ज करा सकती है सीएम के लिए, ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्चेस हो गए जो आपको ध्यान में रखना है. तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे. ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है. तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए. जो भी आपको आते हैं ब्लैंक गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं. विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएगा कॉमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो कल फिर हम लेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे. विद दिस मीनू हत्सना साइनिंग ऑफ.